आपको हमारे इस चैनल देवप्रीत पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूलर्स मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो होता है यूलर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यूलर्स फॉर्मूला कहता है वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो ये है फॉर्मूला यूलर्स मेथड का। तो यहाँ पे एक है h, तो h का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, h का जो वैल्यू होता है, जो हमको फाइनल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब मेरा जो ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि h होता क्या है, तो ये और फाइनल वैल्यू क्या होता है और इनिशियल वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू वैल्यू डिवाइड बाय स्टेप। तो आपको जितना स्टेप लेना है वो मार्क के अकॉर्डिंग होता है। यदि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप 3, 2 या 3 स्टेप में काम को सॉल्व कर देना है, और यदि 10 मार्क में आता है तो हम लोग को 5 मार्क लेके चलना पड़ता है। तो ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू हम लोग यूलर्स मेथड को अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। तो चलिए देखते हैं इसका। जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जो भी इसमें दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। गिवेन जो भी दिया हुआ है, गिवेन है यहाँ पे, ये क्या है एक्स नॉट, ये है वाई नॉट। तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 0 एंड वाई नॉट का वैल्यू 1, एंड जो फाइनल वैल्यू कितना पे निकालना है 4x = 0.1 बाई फाइंड वाई अप्रोक्सीमेटली 4x = 0.1। तो हमको निकालना है वाई 0.1 पे मेरा वैल्यू क्या होगा वो हमको निकालना है। यदि हम लोग को क्वेश्चन में एक्स नॉट और वाई नॉट दिया हुआ नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग एक्स नॉट को 0 और वाई नॉट को 0 मान के लेके चलते हैं। या यदि ऐसे दिया हुआ रहे, किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हुआ रहता है वाई 0 = 1, इस ये ऐसे भी दे सकता है। तो ये जो वैल्यू होता है ये एक्स नॉट का वैल्यू होता है, और ये वैल्यू जो होता है ये वाई नॉट का वैल्यू होता है। तो चलिए देखते हैं, ये फंक्शन हमको दिया है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एच का वैल्यू निकालते हैं। जो एच का वैल्यू आता है वो कैसे आता है, एच इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितना है 0.1 माइनस इनिशियल वैल्यू 0 डिवाइड बाय जितना स्टेप लेना है। तो हम लोग 5 स्टेप लेके चलते हैं, तो 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02, एच का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब स्टेप वन में लेके चलते हैं। और यदि और इसमें एक बात आता है कि x का वैल्यू क्या निकालते हैं, तो चलिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। ओके, तो इसका वैल्यू यदि हम लोग एन को 0 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई वन इक्वल टू वाई 0 प्लस एच का वैल्यू 0.02 प्लस फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है हम लोग को, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो वाई नॉट मानेंगे यहाँ पे, तो वाई नॉट माइनस वाई एक्स नॉट डिवाइड बाय वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। तो वाई नॉट का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, वाई नॉट का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ वाई नॉट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो वाई नॉट और वाई नॉट का वैल्यू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, वाई नॉट का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 0 डिवाइड बाय 1 + 0। तो यहाँ से मेरा वाई वन का वैल्यू निकल जाएगा, वाई नॉट का वैल्यू 1 + 0.02 × 1। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1.02। और यदि हम लोग x1 का वैल्यू निकालेंगे तो x1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, जो x0 प्रीवियस जो वैल्यू होता है, जो पहले का वैल्यू होता है, तो x1 से पहले x0 होता है, तो x0 प्लस h। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x0 का वैल्यू क्या है 0 प्लस h का वैल्यू 0.02। तो यहाँ से x1 का वैल्यू आ जाएगा 0.02। उसी तरह से हम लोग स्टेप टू में
स्टेप टू में क्या लेंगे, तो एन इक्वल टू हम लोग लेंगे जीरो, जीरो लिए थे पहले, अब वन लेंगे, और तो देखते हैं क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, क्योंकि वाई एन प्लस वन होता है, तो वन वन टू इक्वल टू वाई वन प्लस एच एफ, एच एफ एक्स वन वाई वन, तो वाई टू इक्वल टू हो जाएगा, वाई वन का वैल्यू कितना है 1.02 प्लस एच का वैल्यू 0.02 प्लस फंक्शन क्या है वाई प्लस वाई माइनस एक्स, तो वाई का वैल्यू कितना है, वाई वन का वैल्यू 1.02 माइनस एक्स वन का वैल्यू 0.02 डिवाइड बाय 1.02 प्लस 0.02। तो यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेटर की सहायता से इसको प्रूफ सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1.02 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1.02 प्लस 0.02 इक्वल टू इतना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.02 प्लस प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 1.02। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा 1.039। तो वाई टू का वैल्यू हम लोग का आ गया, देख लीजिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एक्स टू का वैल्यू निकालना है, तो एक्स टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एच, तो एक्स वन का वैल्यू कितना है 0.02 प्लस एच, एच का वैल्यू भी 0.02 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.04। एक्स टू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0.04। उसी तरह से स्टेप थर्ड में हम लोग वाई थ्री लेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग लेंगे एन का वैल्यू टू लेंगे, तो वाई टू का वैल्यू हम लोग का क्या निकला हुआ था, तो देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा इक्वल टू वाई टू प्लस एच एफ एक्स टू वाई टू हो जाएगा, तो वाई थ्री इक्वल टू वाई टू का वैल्यू कितना है 1.039 प्लस एच का वैल्यू 0.02 एंड फंक्शन, फंक्शन क्या है वाई टू हो जाएगा, तो वाई टू का वैल्यू 1.039 माइनस ठीक है एक्स टू 0.04 डिवाइड बाय 1.039 प्लस 0.04। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वाई थ्री का, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे वैल्यू निकल गया 1.057 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1.058। तो वाई थ्री का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब उसी तरह से हम लोग एक्स थ्री का वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू प्लस एच, तो एक्स टू का वैल्यू क्या है 0.04 प्लस 0.02, तो एक्स थ्री का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा मेरा 0.06। ओके अब फिर हम लोग थर्ड स्टेप, क्योंकि पांच स्टेप लिए हैं, तो अब हम लोग लेंगे स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू थ्री हो जाएगा और वाई थ्री का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1.058 एंड एक्स थ्री का वैल्यू आ जाएगा 0.06। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन, यही होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एन का वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई फोर हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि थ्री प्लस वन, तो वाई फोर प्लस वाई थ्री प्लस एच का वैल्यू 0.02। फिर फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स थ्री, फंक्शन क्या दिया हुआ है वाई, देख लेता हूँ वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स, तो वाई थ्री हो जाएगा, तो वाई थ्री का वैल्यू 1.058 माइनस 0.006, क्योंकि वाई थ्री माइनस वाई थ्री माइनस एक्स थ्री डिवाइड बाय वाई थ्री, वाई थ्री प्लस एक्स थ्री निकालना है, तो वाई फोर इक्वल टू वाई थ्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, है क्या 1.058 प्लस 0.02 एंड 1.058 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.058 प्लस प्लस 0.06। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई फोर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा
1.076 एंड एक्स फोर का वैल्यू आ जाएगा एक्स थ्री प्लस एच, तो एक्स थ्री का वैल्यू क्या है 0.06 प्लस एच का वैल्यू 0.02, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 0.08। तो स्टेप फिफ्थ, ये हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप फिफ्थ क्या हो जाएगा, उसी तरह से एन इक्वल टू फोर लेके चलना है और जो हमारा वाई फोर का वैल्यू जो आया है इसको लिख लेना है और एक्स फोर का जो भी वैल्यू आया उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई फाइव इक्वल टू वाई फोर प्लस एच एफ एक्स फोर वाई फोर, ठीक है। तो यहाँ पे वाई फाइव इक्वल टू एक्स फोर, वाई फोर का वैल्यू क्या है 1.076 प्लस एच का वैल्यू 0.02 एंड फंक्शन क्या है y माइनस एक्स, तो y4 माइनस एक्स फोर, तो y4 का वैल्यू 1.076 माइनस एक्स का फोर का वैल्यू 0.08 डिवाइड बाय 1.076 प्लस 0.08। तो यहां से जो वैल्यू आएगा हमारा y5 का जो भी वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.093 एंड एक्स फाइव का जो भी वैल्यू आएगा, एक्स फाइव का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा एक्स फोर प्लस एच, तो एक्स फोर का वैल्यू है 0.08 प्लस 0.02, तो यहाँ से एक्स फाइव का वैल्यू आ जाएगा 0.10। तो ये था हमारा क्या यूलर्स मेथड, तो इस ये हमारा यूलर्स मेथड था। तो इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हम लोगों का जो चैनल है देवप्रीत उसको सब्सक्राइब कीजिए, यदि जहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ पे कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया सर, तो मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।